फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम एक अलग सा वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए मैं लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो को। हम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे मित्र, तो हमने बतलाया था कि इंग्लिश ग्रामर का जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर है, 26 लेटर है। लेकिन जो ग्रीक होता है अल्फ़ाबेट, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है मित्र, जिसको ग्रीक का हिंदी बोलते हैं यूनानी, ग्रीक का हिंदी क्या होता है यूनानी, जो यूनानी में जो अल्फ़ाबेट है, जो ग्रीक का जो अल्फ़ाबेट है उसमें 24 लेटर है। कितने लेटर है मित्र? 24 लेटर है। क्या समझे कितने लेटर है? 24 लेटर है, जो कि आपके सामने ये प्रस्तुत कर दी गई है। इंग्लिश ग्रामर में तो 26 लेटर आप जानते हैं कि ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। और आपको बात करो ग्रीक वर्ड में, तो देखिए अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन जिट्टा इट्टा थिट्टा आयोटा कप्पा लैम्डा मीओ नीओ जाई ओमिक्रोन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन फाई चाई साई ओमेगा। ये कितने हैं मित्र? ये 24 आप गिन के देख सकते हैं। 5, 5, 10, 15, 15, 15, 20, 20, 4, 24। ये 24 आपको जो दिखाई दे रहे हैं लेटर मित्र, यह क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ग्रीक अल्फ़ाबेट में ही संख्या है, ठीक है मित्रों। जब भी आपको पता नहीं चलता हो तो आप देख लीजिए कि अल्फ़ा कैसे लिखा जाता है, बीटा कैसे लिखा जाता है, गामा कैसे, डेल्टा कैसे कैसे। ये आपका कैपिटल लेटर है और ये क्या है? स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर, मतलब दोनों हमने साथ में लिख दिया है। पाई जो आप लिखते थे, देखिए कैपिटल लेटर ऐसे लिखाता है, स्मॉल लेटर ऐसे लिखाता है। लैम्डा में देखिए कैपिटल लेटर ऐसे लिखाता है और स्मॉल लेटर ऐसे लिखाता है। नीटा देखिए एच इस टाइप का जो है से कैपिटल लेटर होता है, क्या होता है या स्मॉल लेटर है। इसमें थीटा को देख लीजिए कैपिटल लेटर है क्या है, स्मॉल लेटर है। आयोटा का देख लीजिए कैपिटल लेटर है क्या है, स्मॉल लेटर है। आप हालांकि आयोटा का आई भी लिख देते हैं, लेकिन इस तरह से होता है वास्तव में। कप्पा का देखिए किस तरह से है। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि आप इस बात को सीख गए होंगे, ठीक है, कितने लेटर होते हैं। मैं इसमें रहस्यमय बात आपको पाई के बारे में बतलाने वाला, ठीक है। किसके बारे में? आज हम चर्चा करेंगे पाई के बारे में। किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे? पाई के बारे में। आज तक किसी वैज्ञानिक ने आज तक पाई का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सका, पाई का वैल्यू ज्ञात ही नहीं कर सका मित्र, ठीक है। जानते हो पाई का जन्म कैसे हुआ था? बात करते हैं अगर हम 3500 BC की, तो उस वक्त कुछ सामान ढोने के लिए एक गोल चक्का वाला जो है से ठेला टाइप का बनाए थे, लेकिन बात ऐसा था कि इतना गोल नहीं बन पाया था जिससे कि अच्छी तरह से चले, थोड़ा उच्च खबड़ ऐसे उच्च नीच होते रहता था, ठीक है। तो उन्होंने मैथमेटिकल दिमाग लगाया कि अगर यदि अगर इसका वैल्यू 7 यूनिट है, यहाँ पे अगर 7 यूनिट है, कितना है 7 यूनिट है, तो इसका वैल्यू परिधि का वैल्यू कितना होना चाहिए? 22 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए? 22 यूनिट होता है। और इसी जो आप देखते हैं कि 22/7 जो लिखा जाता है मित्र, इसको क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पाई बोला जाता है। ग्रीक शब्द में क्या बोला जाता है? पाई। ये तो 22/7 जो आप लिखते हैं मित्रों, ये तो आप लिख ही रहे, प्रचलित आप करे ही हुए हैं, लेकिन वास्तव में 22/7 नहीं होता है मित्रों, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड ही नहीं है। इसका वैल्यू आप ज्ञात कर ही नहीं सकते, किसी वैज्ञानिक ने आज तक इसका वैल्यू ज्ञात किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी पाई का वैल्यू जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 3.14159, इस टाइप को हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना मित्र, इतना हम लोग लेते हैं। सुपर कंप्यूटर में भी इसका वैल्यू निकालने की कोशिश किया गया, लेकिन लगभग 3 मिलियन बार मतलब इसको ट्राई करते गया, मतलब गया, फिर भी यह जो है कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आता ही गया,
मतलब यह रिपीट होने का नाम चीज ही है ही नहीं, ठीक है। तो जो पाई का वैल्यू होता है मित्रों, नहीं तो रिपीटेशन होता है नहीं तो कटता कहीं है, नहीं तो रिपीटेशन होता है नहीं तो कटता है, लेकिन ये तो 22/7 कीजिएगा तो ये तो बार बार रिपीट हो जाता है मित्रों, ठीक है। तो 22/7 वास्तव में वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मान लिए हैं तो ये मान लिया गया है तो ये प्रचलित है और हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में यह वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इसको अभी तक बतलाया ही नहीं है, और देखिए बतलाएंगे कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी बतला पाएंगे। तो देखिए पाई का वैल्यू मान लिया है कितना है, जिम कर लिया गया 3.14159। और जानते हो हैप्पी पाई डे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, हैप्पी पाई डे मनाया जाता है। जानते हो कब मनाया जाता है, 14 तारीख को मनाया जाता है, तीसरा महीना में, अर्थात क्या हुआ 14 मार्च, ठीक है। और जानते हो कब कितना समय मनाते हैं, इसका फिक्स टाइम है 1:59 में, कब मनाते हैं 1:59 में, बताइए। ये टाइम भी फिक्स है कि 1:59 हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी पाई डे और 14 मार्च को, और पाई का वैल्यू जो निकलता है 3.14159, और इसी के अनुसार आपको यह डेट भी याद रखना है कि 14 तारीख को तीसरा महीना में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च आता है, मतलब 14 मार्च को, ठीक है, 1:59 में, 1:59, ठीक है। एक और ख़ास की बात यह है मित्रों कि इसी 14 मार्च को एक ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और 14 मार्च को ही स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी, स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु 14 मार्च को हो गई थी, ठीक है मित्रों। तो हमको लगता है कि आप समझ गए इस बात को, तो इतना ही रहेगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।